में भाग लेने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन बीते दिन इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की। वहीं इस दौरान टंडन ने देश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर पॉलिटिकल बिल बनाने की बात भी कही। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने बीते दिन इंदौर पहुंची मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने मीडिया के सामने इंदौर की स्वच्छता और नमकीन व पोहा जलेबी की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी रवीना टंडन ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब आप देश के सबसे साफ सुथरे शहर में आए। वहीं देश में लगातार हो रही बच्चियों के साथ घटनाओं को लेकर कहा कि मैं काफ़ी टाइम से इस समस्या को लेकर बात कर रही हूँ। मेरे ट्विटर इंस्टाग्राम में 2012 निर्भया के समय से इस तरह की बातें चल रही है। इसको लेकर मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी। इसको लेकर बहुत जल्द एक पॉलिटिकल बिल बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को जल्द सजा दिलाई जाए। आपको बता दें कि दूल्हे राजा, राजा जी, दिलवाले, मोहरा, जिद्दी, आंटी नंबर वन, लाडला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी रवीना की एक झलक देखने के लिए इंदौरियंस ने जमकर धमाल किया। आयोजन स्थल रविंद्र नाट्यगृह में एक सेल्फी के लिए जन हुजूम मंच पर पहुंच गया। इस दौरान कई बार रवीना को ही स्थिति संभालना पड़ी।